अहम अपडेट से आपको आगाह करते चलें, और ये अपडेट है ईद उल फितर की कंफर्म तारीख के हवाले से। ईद उल फितर का चांद नज़र आ चुका है या फिर नहीं, इस हवाले से पूरी कौम शिद्दत से इंतज़ार कर रही है, और इसके साथ साथ रोज़े 29 होंगे या फिर 30, इस हवाले से अहम तरीन फैसला सामने आ चुका है। आपको बताते चलें ईद उल फितर की तारीख के हवाले से इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आपको बताते चलें ईद उल फितर कब होने जा रही है, इस हवाले से महकमे मौसमियात और हुईते हलाल कमेटी का क्या कहना है, अहम तरीन अपडेट सामने आ चुकी है। आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते चलें कि ईद उल फितर कल होगी या फिर परसों, इस हवाले से जोनल कमेटी का क्या कहना है, और शादी कितनी वसूल हुई है चांद की, इस हवाले से अहम तरीन अपडेट सामने आ चुकी है। मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले देख रहे गुजारिश चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद अपडेट्स जो है वो पर वक्त आप तक पहुँच सकें। यहाँ पर आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह करते चलें ईद उल फितर के चांद के हवाले से। ईद उल फितर का चांद रवा साल पाकिस्तान में जो है वो नज़र आने का इम्कान दीगर पेशनगोइयाँ की जा रही थी, लेकिन इस हवाले से कुछ पेशनगोइयाँ सच साबित होने जा रही हैं। आपको बताते चलें कि ईद उल फितर रवा साल पाकिस्तान में 21 अप्रैल को भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो ताहम कन्फर्म तारीख बताई जा रही है वो 22 अप्रैल है, और इसका हतमी ऐलान चांद की शहादतें मौसूल होने की बिना पर मरकज़ी रुयते हलाल कमेटी करेगी, और जूरल कमेटी का जो है वो अभी तक इस वक्त जो है वो शहादतें मौसूल नहीं हुई।